हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग में हम देखने वाले हैं ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, इसमें 11 पर्सन होंगे, 11 में से आप कितने सही करते हैं प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर करिएगा, और जितने भी आपसे आंसर आते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में साथ साथ करते रहिएगा। जो दोस्त अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए, और जो आपके दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथ में और अभी तक टॉपिक स्टडी के साथ में नहीं जुड़े हैं तो उनको भी जोड़ लेना। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ की वीडियो का टाइमिंग 2 से 3 है, रीजनिंग का 9 से 10 है, और जीके का लाइव टेस्ट चलता है रात को 11 बजे, जिसमें आप लाइव आंसर भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियो देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। देखिए बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि आप मिक्स क्वेश्चन भी जरूर कराया करें, हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट जरूर कराया करें। अब मैंने सोचा है कि जो कंप्लीट करा रहा हूँ मैं आपका कोर्स, वो तो साथ साथ में चलते रहेगा, फिर बीच बीच में आपको 1-2 मिक्स टेस्ट भी आपको देता रहूँगा, इससे प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले का आप आंसर दीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या चल रहा है। देखिए DHLPTX क्वेश्चन मार्क क्या आएगा नेक्स्ट, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिक लगाया होगा इसमें तो इजीली हो जाएगा। इसमें क्या है, +4 चल रहा है, डी में +4 करिए एच बन जाएगा, एच में +4 करिए एल बन जाएगा, एल में +4 करेंगे पी, पी में +4 टी, टी में +4 एक्स, और एक्स में +4 करेंगे क्या बनेगा। देखिए एक्स के बाद वाई, जेड, ए, बी, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर आएगा आपका बी। ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है, तो एक बार इसको भी देखे ट्राई करके, और आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसी में है HNSYD क्वेश्चन मार्क क्या आएगा यहाँ पे, तो इसमें भी आपका कुछ इसी तरीके से +6 +5 +6 +5 चल रहा है। अगर आप देखा होगा, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपके वहाँ समझ में नहीं आया है, एच में +6 करेंगे तो क्या बन जाएगा एन। ठीक है, फिर n में +5 करेंगे तो क्या बन जाएगा s, उसी तरीके से आप s में +6 करेंगे y, y में +5 तो d, d में अब उसी तरीके से देखिएगा। ठीक है, y, z, a, b, c, d, उसके बाद देखिए ऐसे रोटेट में चलता रहता है, a से m तक आपका फर्स्ट हाफ, फिर n से z तक सेकंड हाफ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका रोटेशन में चलता रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि वाई के बाद आप डी पे कैसे आ गए, तो ये आपका रोटेशन में चलता है इस तरीके से काउंटिंग। तो वाई के बाद आपका +5 करेंगे तो डी आता है, और डी में प्लस फिर 6 कर देंगे यानी कि डी के नंबर में, तो आपका जे बन जाएगा, तो राइट आंसर आपका जे हो जाएगा। अब आपने क्या देखा, एक तो सिंपल पहला था क्वेश्चन जिसमें +4 +4 +4 चल रहा था, अब यहाँ पे +6 +5 +6 +5, तो इस तरीके से आपकी सीरीज बन सकती है। अब यहाँ पे इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसी क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा सा और घुमा के दे दिया जाए, यहाँ पे +4 कर दिया जाए, यहाँ पे +3 कर दिया जाए, यहाँ पे +2 कर दिया जाए, फिर +4 +3 +2 इस तरीके से, तो इसी क्वेश्चन को कई तरीके से बनाया जा सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी से उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एक तो आपके ये जो अल्फाबेट्स हमारे 26 ABCD, इनके नंबर्स आपको पक्का याद होने चाहिए, याद नहीं है तो लिख लिया करें, मैं आपको हर बार बोलता हूँ। लिखने से आपको होगा कि लिख तो आप इसको 30 सेकंड में लेंगे, ठीक है, फिर उसमें आप टाइम सेव कर सकते हैं क्योंकि आप जल्दी से देख लेंगे कि एच आपका इस नंबर पे है। तो ये वैसे आपको ये काम करना नहीं चाहिए, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, याद कर लेने चाहिए। ठीक है, देखिए सिलेक्शन उनका ही होता है जो मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यही आपका नंबर्स में भी आ सकता है, ठीक है, उसी तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए, बहुत ही जल्दी आंसर कर लेंगे। तो वीडियो को रोक करके ट्राई करिएगा भाई, देखिए मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बोलूँगा, जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है एकदम ट्राई करिएगा वीडियो को रोक करके। यहाँ पे 4 8 14 22 नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से 4 है 8 है, आप नंबर मत काउंट कर लीजिएगा इसको कि 4 8 1 4 2 2, ठीक है, तो 4 8 14 22 लिखा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 से 8 कब बनेगा, जब +4 होगा, और 8 से 14 कब बनेगा, जब 6 ऐड होगा, फिर 14 से 22 कब बनेगा, जब आपका 8+ होगा, फिर 22 में 10+ करेंगे कितना बन जाएगा आपका 32, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए ये टाइप ऐसा है कि चाहे RPF हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ALP हो, चाहे आपका राजस्थान हरियाणा बिहार कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, इवन चाहे आपका SSC का भी कोई एग्जाम है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। पेंसिल, रबर एवं स्टेशनरी के संबंध को किस आरेखा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे पेंसिल, रबर और स्टेशनरी तीनों का रिलेशन है, ठीक है। तो जब भी रिलेशन वाली बात की जाए, पेंसिल, रबर और स्टेशनरी तीनों का रिलेशन है, आपको भी पता है आप रबर पेंसिल कहाँ से खरीदते हो, स्टेशनरी से, तो इसका मतलब रबर पेंसिल और स्टेशनरी तीनों का रिलेशन है। अब ये वाला जो ए वाला डायग्राम है, यहाँ पे डिस्कार्ड वाला ऑप्शन आपको मेथड अप्लाई करना है, यानी कि जो आंसर नहीं हो सकता उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये जो ये होता है, ये रिलेशन किसी में शो नहीं करता, यानी कि तीन ऐसी चीज़ें जिसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये आंसर नहीं बन सकता। बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है, ये तब होता है आपका जब तीनों चीज़ आपस में एक दूसरे का मतलब कुछ पार्ट हो सकता है, यानी कि कुछ पेंसिल रबर हो सकती है और कुछ रबर पेंसिल हो सकती है और कुछ स्टेशनरी रबर और पेंसिल दोनों हो सकती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता भाई, रबर तो रबर ही होगी, पेंसिल पेंसिल ही होगी और स्टेशनरी स्टेशनरी होगी, तो ये भी शो नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो चीज़ें तो आपस में वही क्रॉस हो रही है कि कुछ पेंसिल रबर हो सकती है, पेंसिल कुछ पेंसिल रबर, कुछ रबर पेंसिल हो सकती है और स्टेशनरी अलग, तो आप नहीं कर सकते ये चीज़ भी, क्योंकि रबर और पेंसिल का रिलेशन नहीं बन सकता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे समझिए, पूरी ये दुकान है मान लीजिए समझने की स्टेशनरी की, इसके अंदर रबर भी है पेंसिल भी है, अगर यहाँ पे एक दो चीज़ें और बोल दिया जाता कि रबर पेंसिल कटर प्रकार जो भी वो भी इसके अंदर आ जाते, तो ये वाला ऑप्शन इतने ही आपके यहाँ पे गोले बढ़ते चले जाते। तो यानी कि पूरी स्टेशनरी के अंदर रबर भी होती है पेंसिल भी होती है, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको इस वाले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या यूज करना है, ठीक है, यूज करना है कि जो ऑप्शन नहीं हो सकता है उसको हटाते जाइए, राइट आंसर आपका खुद पे खुद ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए अभी ये मैंने कराया है आपका इसी टाइप का, एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है, अगर आपने वो देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी कर लेने वाले हैं। देखिए इसका रिलेशन इसके साथ में होगा इसका, ठीक है, ए जेड बी वाई रेशो डी डब्ल्यू ई वी प्रोपोर्शनल एच एस आई आर रेशो नेक्स्ट क्या होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, प्लस 3 और माइनस 3 इसमें चल रहा है। जैसे आपने लिखा ए जेड बी वाई को लिख दिया किसमें, डी डब्ल्यू ई वी, तो यहाँ पे ए में प्लस 3 करके लिख दिया गया पहले, फिर जेड में माइनस 3 करके लिख दिया गया है डब्ल्यू, फिर प्लस 3 करके लिख दिया गया ई, फिर माइनस 3 करके लिख दिया गया है वी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3 वाला कॉन्सेप्ट चला है, तो वही हम कर देंगे इसमें, ठीक है। एच एस आई आर में प्लस 3 करेंगे एच में तो के बन जाएगा, एस में माइनस 3 करेंगे पी बन जाएगा, आई में प्लस 3 करेंगे एल बन जाएगा और आर में से माइनस 3 कर देंगे तो ए ओ बन जाएगा। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, के पी एल ओ, के पी एल ओ इज द राइट आंसर, के पी सॉरी के पी एल ओ ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यही आपका हो सकता है नंबर्स में भी, ठीक है, जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाते हैं। 35:69:52 यहाँ पे आपका यही होगा प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है, तो 52 देन क्या होगा, तो इसका रिलेशन इसके साथ में, इसका नेक्स्ट किसके साथ में होगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। थोड़ा सा ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर पाते हैं तो इसका मतलब आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप मतलब ये समझिएगा कि आप रीजनिंग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का जो पोर्शन है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, बस आपको वहाँ पे तो नंबर स्कोर करने हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, देख लेना आप। तो 35 को 69 कैसे बनाएगा, सबसे पहले इसके पीछे का राज जानते हैं, फिर आप इजीली कर ही लेंगे। जिस प्रकार 35 को आपको क्या किया गया, 35 लिखा है 3 और 5 को प्लस किया गया 8, इसका स्क्वायर कर दिया गया 64 आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद भी उसमें प्लस 5 किया गया तो 69 आपका ये बन गया। नेक्स्ट 52 को तोड़ा 5 और 2 यानी कि 7, 7 का स्क्वायर किया गया कितना हो गया 49, प्लस 5 किया गया तो 54, आंसर क्या बना 54। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है इसमें, मतलब जो इसके पीछे का बैकग्राउंड यूज है ये पूरा का पूरा 69 को आने में क्या क्या यूज किया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे आप ध्यान रखिएगा और अपने माइंड को इतना शार्प कर लीजिए, जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ सारी कर लीजिए, जितनी वीडियो अपलोड करता हूँ सबको देखिए। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, धीरे धीरे होंगे, जब तक आपका एग्जाम होगा सब कवर हो जाएगा उस टाइम तक,
ठीक है यार, पर आप एक चीज़ देख रहा हूँ, शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है भाई। तो ये आपका 69 हो गया और इसी तरीके से 54 आ गया, आप समझ गए होंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 54, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डायरेक्शन वाला आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, डायरेक्शन मैंने आपको चैप्टर कराया है, अगर आपने पढ़ा होगा उसको अच्छे तरीके से, तो मैंने बहुत चीज़ें उसमें बताएं आपको, छोटे छोटे पॉइंट, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। देखिए बड़ा ही आसान सा है, यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में स्थित है और गोविंद का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में स्थित है। अब थोड़ा सा ध्यान से एक बार और पढ़ते हैं, यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ पे जो राम का घर है वो कृष्णा के दक्षिण, तो अगर कृष्णा का हमने घर यहाँ पे बना दिया तो इसका दक्षिण कहाँ पे बैठेगा भाई, देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ही होता है ना, तो इसका दक्षिण बैठेगा यहाँ पे, तो राम का घर हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला गया है, और गोविंद का घर कृष्णा के घर से पूर्व में स्थित है, तो जो गोविंद का घर है वो कृष्णा के पूर्व में स्थित है, इसका मतलब इसका घर हो गया यहाँ पे, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोला गया है, अगर आप यहाँ पे देखिए बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं, कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में है, राम का जो घर है वो गोविंद के घर से पूछा गया किस दिशा में है। तो दोस्तों राम का जो घर है वो गोविंद से किस दिशा में है, तो अगर आप देखें यहाँ पे इस तरीके से, तो ये किस दिशा में बैठ रहा है, दक्षिण पश्चिम की दिशा में बैठ रहा है, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा राम का घर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अक्षर क्या है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें से आपका ये देखना है कि ये इनमें से कौन सा अक्षर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपल क्या चेक करना है, जो वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं वो वर्ड जो जो भी यहाँ पे लिखे हैं उसमें यूज होना चाहिए, अगर किसी में कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज हो रहा है जो इसमें यूज नहीं है तो बस समझिए कि वो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो एक एक हम ये कुछ ही सेकंड का काम होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको सोचना भी कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे देखिए एस टी आर, ठीक है, ओ एन जी, तो कुछ सेकंड का काम है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बी वाला ओ, ठीक है, आर ए एन जी और ई, ई ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ई नहीं होता और यहाँ पे बी में ई है, तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। इन्होंने पूछा ना कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब बी नहीं बनाया जा सकता, ये हमें क्लियर होगा, नेक्स्ट आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अपना सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं, बाकी जब ई हमें पता चल गया इसमें नहीं है तो ऐसा कोई ऑप्शन दूसरा नहीं होगा कि जो नहीं बन सकता, अदरवाइज यहाँ पे दो ऑप्शन का आपको दिया जाता है कि ए और बी, बी सी ऐसा करके, तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो कुछ सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आप इसका सभी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। आपकी आयु आपकी माता की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है, यहाँ पे इतनी चीज दी गई है, अभी तक कोई डाटा ऐसा नहीं दिया गया जिससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपके पिता से 5 वर्ष छोटी है, यानी कि आपकी माता जो है वो 5 वर्ष छोटी है, यदि आपके पिता की आयु 45 वर्ष है तो आपकी क्या आयु होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 45 में से 5 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, 40, 40 किसकी हो जाएगी, माता की आयु। फिर बोला है यहाँ पे सीधा सीधा कि आपकी जो आयु है माता की आयु से, माता की आधी आयु से 10 वर्ष कम है, तो यानी कि 40 बोला गया है, ठीक है, तो 40 का आधा करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में भी आधी यानी कि 20 में भी आपकी 10 वर्ष कम है, तो इसका मतलब 10 वर्ष हो जाएगी आपकी आयु, 10 सी ऑप्शन, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ताकि अगर आपकी समझ में ना आया हो तो समझ में आ जाएगा। पिता की आयु 45 है, अगर उसमें से 5, क्योंकि माता की आयु 5 वर्ष छोटी है, तो 45 में से 5 माइनस करेंगे, 40 बच गई माता की आयु, ठीक है। फिर पुत्र की आयु जो है वो 40 यानी कि आधे से 10 कम है, तो आधा कर लेंगे, 40 का कितना होगा 20, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 वर्ष बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रोत्साहित करना रोक लगाना, यानी कि प्रोत्साहित का उल्टा क्या होगा, रोक लगाना, किसी चीज़ पे रोक लगाना, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपोजिट वाला वर्ड ढूंढना है किसका हो जाएगा। तो लाभ सफलता ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव आपको ढूंढना है। दुर्लभता अधि से
अधिशेष, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसा करते हो कि आपने भी इसका ये आंसर लगाया होगा। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपको ऊपर करा के आया हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जितने भी आंसर आपने किए हैं, जितने भी क्वेश्चन के, कोई नहीं जितने भी आप कर पाते हैं। वैसे तो टेस्ट जो रीजनिंग का होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हार्ड क्वेश्चन लेके आओ। भाई SSC CGL या फिर कोई आप बड़े एग्जाम की थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे हो कि मैं हार्ड क्वेश्चन लेके आऊँ। हार्ड लेके आऊँ तो फिर आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी एग्जाम के लिए मैं टेस्ट बना रहा हूँ, तो आप उनको देते रहिए और उनका प्रैक्टिस करते रहिए, वो बिल्कुल आपके लिए सटीक है, एग्जैक्ट आपके एग्जाम के पैटर्न पे ही आधारित है, ठीक है। तो ACF रेशो JLO प्रोपोर्शनल UWZ नेक्स्ट आपका क्या होगा, ऑप्शन में आपके सामने है चार, तो एक बार आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ऐसा करता हूँ कि आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। देखिए एक बार यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। ACF लिखा है आपका, उसका जो आपका रेशो बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, JLO। तो यहाँ ना आपका क्या किया गया, कंटिन्यूसली चलाया गया है, ठीक है। रेशो में तो जरूर लिखा गया है बट उसको चलाया कंटिन्यू गया है। जैसे +2 किया तो C आ गया, C के बाद +3 किया F आ गया। अब यहाँ पे आप +4 भी करके लिख सकते हैं बट वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि +2 +3 +4 +2 +3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 1 का स्क्वायर +3 भी लिख सकते हैं, तब भी 4 ही होगा, तो आपका ये 4 भी प्लस कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। यहाँ पे क्या है +2 +3 +4 +2 +3, तो उसी तरीके से आपको नीचे कर देना है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी पैटर्न आपको ऊपर दिखाई देगा वही डिट्टो आपको फॉलो कर देना है नीचे, ठीक है। तो उसी तरीके से UWZ का क्या बनेगा, +2 कर दिया आपका W बन गया, +3 कर दिया Z बन गया, ठीक है। फिर आपको +4 कर देंगे या फिर 1 का स्क्वायर +3 यानी कि 4 ही हो जाएगा D, तो D में +2, F में +3, ठीक है। तो DFI आपका राइट आंसर हो जाएगा, DFI इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा या तो आप यहाँ से जाके वीडियोस देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।